एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सिलिकेट्स. लास्ट टाइम हमने सोडियम सिलिकेट को स्टडी किया था. सोडियम सिलिकेट इज़ बेसिकली वाटर ग्लास एंड दिस इज़ अ सॉल्ट ऑफ मेटा सिलिकिक एसिड, मेटा सिलिकिक एसिड जो कि H2SiO3 था. इसका अगर आप सोडियम सॉल्ट डिराइव करो तो वो बनता है Na2SiO3. ये हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था, हमने देखा था दिस वॉज वाटर सॉल्यूबल. और ये बनता कैसे था, आप सोडियम कार्बोनेट जो है आप इसका रिएक्शन करवाते थे विद सैंड एट वेरी हाई एलिवेटेड टेम्परेचर, तो आपके पास एक ये और साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाता था. इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर केमिकल गार्डन को स्टडी किया था. केमिकल गार्डन इज़ बेसिकली आप वाटर ग्लास का सोल्यूशन लेते हो इन वाटर और उसके अंदर आप मेटल सॉल्ट्स को डालते हो जो कलर्ड मेटल सॉल्ट्स होते हैं और एज अ रिज़ल्ट आपके पास पूरा एक एक्वेरियम टाइप चीज़ जिसके अंदर मुख्तलिफ आपको रूट्स और प्लांट्स की तरह ग्रो होते हुए शेप्स नज़र आती हैं, इसको हम केमिकल गार्डन कहते हैं. आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन द रिमेनिंग सॉल्ट्स, नॉट सॉल्ट्स, सिलिकेट्स. इसमें कुछ हमारे पास नेचुरल सिलिकेट्स होते हैं और कुछ डेफिनेटली सिंथेटिक होते हैं. नेचुरल सिलिकेट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिलिकेट है जो अभी तक हमने जिक्र नहीं किया दैट इज़ कॉल्ड फेल्डस्पार. ठीक है, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए एक और बात बता चल लूँ कि जो ज़मीन का क्रस्ट है उसमें 60% जो है ना वो सिर्फ यही चीज़ है, फेल्डस्पार. ठीक है, और यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ है ज़मीन के अंदर तो दैट इज़ दिस मिनरल फेल्डस्पार, इट्स नेम ऑफ अ मिनरल. और दूसरे नंबर पे जो चीज़ है दैट इज़ क्वार्ट्स, और क्वार्ट्स आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो. ठीक है, क्वार्ट्स इट्स इज़ एट सेकेंड नंबर और पहले नंबर पर है फेल्डस्पार. यू माइट बी थिंकिंग इससे पहले हमने पहले कहा था कि पहले नंबर पे ऑक्सीजन है और दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है. डेफिनेटली वो तो हमने एलिमेंट्स के बारे में बात की थी ना, वो हम एलिमेंट लेवल पे बात कर रहे थे. अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड लेवल के ऊपर, यानी ये पूरे पूरे मिनरल्स जो हैं, सबसे ज़्यादा मिनरल कौन सा पाया जाता है, तो फेल्डस्पार सबसे ज़्यादा पाया जाता है. अब हम देखते हैं कि फेल्डस्पार जो है ये एक्चुअली क्या चीज़ है. फेल्डस्पार हम बोलते हैं तीन किस्म के फेल्डस्पार हो सकते हैं, या तो होगा फेल्डस्पार के AlSi3O8 या फेल्डस्पार का फॉर्मूला ये होता है, या इसके अलावा आप लिख सकते हो NaAlSi3O8 या एक तीसरा फॉर्मूला है इसका CaAl2Si2O8. ठीक है, ये तीन डिफरेंट फार्मूलाज हैं जिससे फेल्डस्पार को पहचाना जाता है, ये तीनों के तीनों फेल्डस्पार ही हैं. अब बेसिकली फेल्डस्पार को अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं, ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ, पोटेशियम का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, सिंपल पोटेशियम का ऑक्साइड. पोटेशियम ऑक्साइड अगर मैं आपसे पूछूं पोटेशियम का चार्ज क्या होता है, के पॉजिटिव 1, ऑक्साइड क्या होता है -2 K2O. ठीक है, तो आप लिखो पोटेशियम ऑक्साइड. इसी तरह सिलिकॉन के ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, आप पहले ही पढ़ चुके हो SiO2, सिंपली सिलिकॉन ऑक्साइड इज SiO2. और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, एल्यूमिनियम का क्या चार्ज है, Al+3, ऑक्सीजन इज -2, तो Al2O3, ये भी आपको पता है. ठीक है, और ओवरऑल द नंबर ऑफ सिलिकॉन्स अगर आप 6 यहाँ पे रखो, यानी मेरे कहने का मतलब है एक पोटेशियम ऑक्साइड, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और 6 सिलिकॉन ऑक्साइड्स अगर आप लो, एंड नाउ ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस फॉर्मूला, ये क्या बन जाता है, के टू, Al कितनी दफ़ा लगा हुआ है, 2 दफ़ा Al2. इसके अलावा सिलिकॉन कितनी दफ़ा लगा हुआ है, 6 दफ़ा Si6. ऑक्सीजन कितनी दफ़ा लगा हुआ है, 6 2s are 12, दरमियान वाले में 12 दफ़ा, K2O में 1 13 और 3 इधर 16 O16. नाउ ये जो कंपाउंड बना है इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा, क्योंकि इट्स अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ना, इसका एम्पेरिकल फार्मूला बनता है KAlSi3O8, एंड दिस इज बेसिकली दिस फार्मूला फेल्डस्पार का. हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूलाज ये इस तरह नहीं देख रहे क्योंकि एक्चुअली तो ये चीज़ें मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, ये पूरे पूरे नेटवर्क होते हैं. ठीक है, उसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. अब इसके अंदर इंस्टेड ऑफ K2O या पोटेशियम ऑक्साइड की जगह अगर मैं यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड से रिप्लेस कर देता, सॉरी कैल्शियम कह रहा हूँ, सोडियम ऑक्साइड से Na2O,
तो क्या होता कि यहाँ पे भी फिर इन प्लेस ऑफ के टू ओ आपके पास आ जाता एन ए टू ओ, एंड फाइनली यहाँ पे भी आपके पास के की जगह एन ए आ जाता. तो यू विल गेट एन ए एल एस आई थ्री ओ एट, एंड यू कैन सी यहाँ पे यही लिखा हुआ है. ठीक है, ये कोई बहुत मुश्किल बातें नहीं है. इन कंपाउंड्स को याद रखने के लिए आप कोड्स बना सकते हो, मसलन सोडियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और सिलिकॉन का ऑक्साइड. और ये एल्यूमिनियम और सिलिकॉन को तो आप हमेशा याद रखो ना, सिलिकॉन के ऑक्साइड्स के साथ नॉर्मली हमेशा ही एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जुड़ा हुआ होता है इस तरीके से, इन फेल्डस्पार स्पेशली. और साथ तीसरी चीज़ कोई भी हो सकती है, या तो सोडियम हो सकता है, या फिर आपके पास पोटेशियम हो सकता है, या फिर तीसरा कैल्शियम भी हो सकता है. अब कैल्शियम का ऑक्साइड क्या होता है, सी ए ओ, कैल्शियम इज प्लस टू, ऑक्साइड इज माइनस टू, सी ए ओ. इसके साथ आप सिलिकॉन्स जोड़ो एस आई ओ टू, इसके साथ आप जोड़ो एल्यूमिनियम ए एल टू ओ थ्री. अब सिलिकॉन्स जो हैं यहाँ पे आप कर दो दो, ऊपर आपने कितने सिलिकॉन ऑक्साइड्स डाले थे, छः डाले थे ना, यहाँ पे आप दो सिलिकॉन ऑक्साइड्स डालो. अब नाउ ट्राई टू काउंट टोटल कैल्शियम्स कितने हैं, एक, टोटल एल्यूमिनियम्स कितने हैं, दो, टोटल सिलिकॉन्स कितने हैं, दो, और टोटल ऑक्सीजन देखो तीन, चार, पाँच, छः, सात, क्योंकि ये चार है, पाँच, छः, सात और एक आठ, आठ. सो नाउ यू कैन सी ये एग्जैक्टली यही चीज़ लिखी हुई है. यानी ये जो मैंने, ये जो तीन चीज़ें मैंने लिखी हैं, या जिन चीज़ों को हम फेल्डस्पार बोलते हैं, फेल्डस्पार को आसान जुबान के अंदर अगर बोला जाए, सो व्हाट इज़ फेल्डस्पार, फेल्डस्पार इज़ बेसिकली ए एल टू ओ थ्री. तो देखो तीनों में लगा हुआ है, देखो इसमें भी ए एल टू ओ थ्री था, सेकंड वाले में भी था, और थर्ड वाले में भी दफ़ा एक दफ़ा ए एल टू ओ थ्री तो लाजमी आ रहा है. और ए एल टू ओ थ्री को हम एलुमिना भी बोलते हैं. इसके अलावा एक दफ़ा सोडियम या पोटेशियम या कैल्शियम का ऑक्साइड आ रहा है, यानी एक एल्यूमिनियम का तो लाजमी आएगा. दूसरे नंबर पे इन तीनों में से कोई एक जोड़ना है आपने, ठीक है, कोई भी एक इन तीनों में से जोड़ दो. और तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि यू नीड टू पुट एस आई ओ टू या सिलिका अपने साथ लगाने हैं. और सिलिका कितनी दफ़ा लगाना है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे पहले वाले में देखो आपने छः लगाए थे, लेकिन बाद में आपने कटिंग कर दी थी, टू से डिवाइड कर दिए थे ना सारे, यानी पहली दफ़ा आपने एक्चुअली चार लगाए थे, ठीक है, और दूसरी दफ़ा इस कैल्शियम वाले में आपने दो लगाए हैं, या आप चलो उस पहले और दूसरे वाले को छः ही रख लो, छः छः और दो. इट्स बेसिकली अ कम्बिनेशन ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड या एलुमिना, एंड थर्डली इट इज़ सम रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड, एंड द मेटल कुड बी सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम. ठीक है, ये तीन आपके पास फेल्डस्पार के फार्मूलाज हैं. हम इनको अलग अलग में नाम भी दे देते होते हैं. हम अक्सर कहते हैं कि पोटेशियम फेल्डस्पार. अब पोटेशियम फेल्डस्पार क्या चीज़ होती है, इट इज़ बेसिकली अभी जिस तरह मैंने ऊपर बोला था K2O, Al2O3 और छः दफ़ा सिलिकॉन डाइऑक्साइड लगा हुआ था, ठीक है, और इसको एम्पेरिकल फॉर्म में हमने शॉर्ट करके भी लिखा था. आप इसी तरह अगर इसको लो, अब ज़मीन के अंदर क्या होता है कि देर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट एंड देर इज़ वाटर प्रेजेंट, एंड ज़मीन के जितना आप नीचे जाते जाते हो ना, सब फर्ज करो दिस इज़ द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड दिस इज़ द क्रस्ट, ये सारा जो रीजन है ये क्रस्ट है. अब जितना आप ऊपर से नीचे आते जाते हो, ज़मीन के अंदर जाते जाते हो, तो प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज करता जाता है, प्रेशर इंक्रीजेस एंड टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस. हम बात करें बहुत ज़्यादा अगर आप नीचे चले जाओ तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता जाता है, और इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो गैसेज हैं और जो पानी ज़मीन के अंदर पाया जाता है, ये दोनों मिल के कार्बोनिक एसिड यील्ड करते हैं. H2O + CO2 yields H2CO3 which is carbonic acid. और क्या होता है कि ये जो ज़मीन के अंदर इतनी ढेर सारी अमाउंट में फेल्डस्पार पड़ा हुआ है, ये इस कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है और आपके पास क्या बनाता है, तीन किस्म के कंपाउंड्स यील्ड करता है. एक तो ये होता है कि जो K2O था, ये सिंपली आप समझ लो कि कार्बन डाइऑक्साइड H2CO3 के साथ रिएक्ट करके K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट बना देता. साथ हमारे पास क्या होता है कि सिलिका अलग हो जाता है, ठीक है, और यही वजह है कि ज़मीन से अंदर से ढेर सारा क्वार्ट्स निकलता है, क्योंकि फेल्डस्पार इस रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है कि ये आपके पास फेल्डस्पार था, पोटेशियम का फेल्डस्पार, ठीक है, और इस फेल्डस्पार को आपने ऑटोमेटिकली ज़मीन के अंदर बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से रिएक्शन हो गया, और ये फेल्डस्पार चेंज हो गया किस चीज़ के अंदर, क्वार्ट्स के अंदर, ठीक है,
और दूसरे नंबर पे आपके पास एक सिंपल सॉल्ट बन गया पोटेशियम कार्बोनेट, एंड साथ एक तीसरी चीज बनती है जिसको हम बोलते हैं केओलीन, सॉरी केओलीन, सी ए के ए ओ एल आई एन, या इसको केओलेनाइट भी बोलते हैं। केओलीन जो है ये क्या चीज है, अब देखो कि पोटेशियम ने तो रिएक्शन कर लिया, Al2O3 अभी तक कहीं पे भी नहीं गया, Al2O3 एज इट इज आ जाएगा, Al2O3 एज इट इज आएगा, और साथ क्या होगा, सॉरी ये पूरा एक इकट्ठा जिस तरह ये फेल्डस्पार इकट्ठा कंपाउंड था ना, Al2O3 के साथ SiO2 जुड़े हुए होंगे दो दफा, SiO2 यहां पे 2 SiO2 यूं लिख दो, ये इसके नीचे आप 2 लिख दो, SiO2 दो दफा जुड़े हुए होंगे और साथ दो हाइड्रेटेड वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दो सिलिका और दो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे साथ आ जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखो ना फेल्डस्पार के अंदर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ छह सिलिकास थे, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ दो सिलिकास बच गए और बाकी चार सिलिकास जो हैं वो सेपरेट हो गए, ठीक है, और एक जो K2O था उसने सिंपली H2O के साथ यहाँ पे CO2 के साथ रिएक्शन करके K2CO3 बना दिया, ठीक है, और ये जो वाटर, ये जो आपने वाटर ऐड किया था ना, और ये वाला वाटर और H2CO3 से जो वाटर अलग हुआ है वो वाटर मिलके आके यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है, ये इस रिएक्शन की थोड़ी सी केमिस्ट्री थी। ये जो कंपाउंड बनना है केओलीन, ये एक्चुअली क्या चीज़ है, दिस इज एक्चुअली क्ले, ये जो मिट्टी घरों में इस्तेमाल होती है, घरों में तो नहीं इस्तेमाल होती, ये जो मिट्टी हमें गलियों में नजर आती है इट इज एक्चुअली केओलीन, ठीक है, केओलीन, या हम इसको सॉफ्ट क्ले भी बोलते हैं और हम इसको चाइना क्ले भी बोलते हैं। ये जो सॉफ्ट क्ले है, चाइना क्ले है, इसको केओलीन क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे शुरू में ना ये चाइना में निकाली जाती थी, चाइना में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, हिल है, केओ लिंग उसका नाम है, ठीक है, और उसकी वजह से हम इस पूरे कंपाउंड को केओलीन कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसकी एक्सट्रैक्शन चाइना में शुरू हुई थी और फिर 17th या 18th सेंचुरी के अंदर चाइना ने दूसरे मुल्कों को ये एक्सपोर्ट करना शुरू किया था। इसका फ़ायदा कहाँ पे होता है, ये जो केओलीन है, चूँकि इट इज़ अ सॉफ्ट क्ले, क्ले के तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, आप क्ले को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, आप पॉटरी के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो पॉट्स बनते हैं, बर्तन बनते हैं मिट्टी के, उनके लिए इस्तेमाल होती है क्ले या मिट्टी। उसके अलावा क्ले कहाँ इस्तेमाल होती है, क्ले आपके मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज़ होती है, मेडिकल यूज़ है इसका। इसके अलावा क्ले प्लास्टिक्स को सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं भूल ही गया, ब्रिक्स, ये जो घर जितने भी बनते हैं जो ईंटों से बनते हैं ना, वो ईंटें भी तो मिट्टी से ही बनती हैं ना, और मिट्टी वो जो उसमें यूज़ होती है दैट इज़ सॉफ्ट क्ले, ठीक है। अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं सॉफ्ट क्ले जो होती है। सॉफ्ट क्ले के अंदर जिनका जो फार्मूला है दैट इज़ केओलीन, केओलीन का मैं फार्मूला फिर से लिख देता हूँ, इट इज़ बेसिकली Al2O3 के साथ दो मॉलिक्यूल्स SiO2 के साथ दो मॉलिक्यूल्स वाटर के, ये आपके पास Al2 सॉफ्ट क्ले का फार्मूला है केओलीन का, और ये इनफैक्ट एल्यूमिनियम सिलिकेट ही कहलाता है। यू माइट बी थिंकिंग कि हमने एल्यूमिनियम सिलिकेट पढ़ना था, ये हमने क्या पढ़ना शुरू कर दिया, एल्यूमिनियम सिलिकेट ही लिखा हुआ है ये जो भी लिखा हुआ है। इनफैक्ट केमिस्ट्री के अंदर एल्यूमिनियम सिलिकेट एक इज़ अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स एक्चुअली, जिसमें एलुमिना मतलब एक्स नंबर ऑफ एलुमिना होते हैं और उसके अलावा वाई नंबर ऑफ सिलिका होते हैं एंड जी नंबर ऑफ हाइड्रेटेड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो बेसिकली एक्स वाई और जी आप कुछ भी पुट कर सकते हो, मसलन 2Al2O3.SiO2.3H2O इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ केओलीन, ठीक है। सो नॉर्मली जो हमारी जो सॉफ्ट क्ले कहलाती है वो ये वाला केओलीन होता है, या एल्यूमिनियम सिलिकेट, इनमें से कोई भी हो सकता है, ये जेनेरिक, ये वाली जो मैंने फार्मूला लिखा है ना, दिस इज अ जनरल फार्मूला, इसमें एक्स वाई जी आप वेरी करा सकते हो, जनरल फार्मूला। आप एनहाइड्रस फॉर्म में भी ले सकते हो, एनहाइड्रस फॉर्म में ये होता है कि ये जी ख़त्म हो जाता है, पानी ख़त्म हो जाता है सारा, और ये एक्स Al2O3.YSiO2 बच जाता है। सो केओलीन के बारे में हम बात कर रहे थे कि केओलीन
नॉर्मली तो प्योर होता है, इसके अंदर और आप देखो कोई ऑक्साइड नहीं है, एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और एक सिलिकॉन का। बट अगर आप इम्प्योर फॉर्म में क्योलिन बनाओ तो इम्प्योर क्योलिन के अंदर देर आर अदर ऑक्साइड्स, फॉर एग्जाम्पल आयरन ऑक्साइड हो सकता है, FeO हो सकता है, ठीक है। अब इन ऑक्साइड्स की वजह से क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये ऑक्साइड्स अगर प्रेजेंट हो ना बीच में तो ये क्या करते हैं कि ये इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देते हैं सॉफ्ट क्ले के, ठीक है। तो वो इजीली फ्यूज़ हो जाता है, फिर इजीली गेट्स फ्यूज्ड। सो ये हमारे फ़ायदे की बात है कि अगर बीच में इनके ये इम्प्योरिटीज़ कुछ प्रेजेंट हों तो इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम हो जाता है, और फिर उसकी वजह से ये होता है कि आप इनको बहुत इजीली ब्रिक्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। आप इनको हीट करते हो और उसके बाद आप इनको ठंडा करते हो। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो ईंटें होती हैं वो रेड कलर की क्यों होती हैं, वो रेड कलर की होती ही इस वजह से हैं क्योंकि उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में ना, वैसे तो आप क्ले ही यूज़ करते हो उसमें, यही चीज़ यूज़ करते हो, लेकिन उसमें FeO वगैरह की इम्प्योरिटीज़ पड़ी होती हैं। अब ये इम्प्योरिटीज़ क्या करती हैं कि जब आप हीट करते हो उसको, वो फ्यूज़ तो हो जाता है लेकिन ब्रिक बनने से पहले आप उसको ठंडा भी तो करते हो ना, उस हीटिंग के प्रोसेस में ये आयरन ऑक्साइड जो है इट गेट्स डी ऑक्सीडाइज और प्योर आयरन बच जाता है जो कि आपके पास रेडिश कलर का होता है, ठीक है। तो इस वजह से ईंट के अंदर आपको रेड कलर नज़र आता है। क्ले के बारे में एक और फैक्ट ये है कि अगर क्ले जो है आप इसके अंदर वाटर ऐड करते जाओ तो क्या होता है, ये एक लिक्विड सा मैस बनता जाता है आहिस्ता आहिस्ता, पहले वो कीचड़नुमा चीज़ बनेगी और फिर वो बिल्कुल ही वाटर वाटर के अंदर वो मिक्स होती जाती है क्ले आप जितनी भी डालते हो। तो उससे होता ये है कि वो मटेरियल ज़्यादा प्लास्टिक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और आप उसको बहुत हद तक अगर प्लास्टिक कर दो, ठीक है, और उसके बाद आप उसको हीट करो तो क्या होगा कि सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और जो क्ले के साथ वैसे H2O लगा हुआ होता है हाइड्रेटेड फॉर्म में, वो भी सारा इवेपोरेट हो जाएगा, और पीछे क्या बचेगा, एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर एल्यूमिनियम सिलिकेट बच जाएगा, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट, एंड दैट एनहाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट विल बी वेरी हार्ड, ठीक है, एक हार्ड रॉक की तरह वो बन जाएगा क्योंकि इसके अंदर पानी तो है ही नहीं, तो अब वो इतना नरम नहीं रहेगा जितनी क्ले होती है, और क्ले के नरम होने की वजह वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसके अंदर, ठीक हो गया। सो यहाँ एक आपको जनरल नॉलेज में आपके इजाफा हो गया कि ये एक्चुअली जो हम जिस चीज़ को क्ले बोल रहे होते हैं, सॉफ्ट क्ले बोल रहे होते हैं, दैट इज़ बेसिकली एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक हो गया। नेक्स्ट सिलिकेट दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे इज मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट का फॉर्मूला इज Mg3H2SiO3 whole 4। अच्छा, इस तरह का फॉर्मूला देख के बंदा फ़ौरन डर जाता है, ये एक्चुअली कोई बहुत मुश्किल बात नहीं लिखी हुई, ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि जिस तरह मैंने कहा था ना कि आपके पास सिलिकॉन सिलिका होता है, पानी होता है और साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है इन केओलिन, ठीक है, यही बात की थी ना हमने। केओलिन किस चीज़ को कहते हैं, आपके पास सिलिका होता है, पानी होता है और साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। सिमिलरली आपके पास जो फेल्डस्पार है उसमें क्या होता है कि उसके अंदर सिलिका होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है और साथ तीसरी चीज़ पानी नहीं होती बल्कि पोटेशियम या सोडियम या कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक हो गया। यहाँ पे भी आप इसी तरह इसका कोड बना सकते हो कि इसमें क्या होता है, सिलिका होता है, वाटर होता है, और जिस तरह केओलिन के अंदर तीसरी चीज़ क्या थी, एलुमिना था ना, Al2O3, तो इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, MgO। बाकी नंबर कितना होता है इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, इसके अंदर तीन मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होते हैं और चार सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं, चार सिलिका के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब आप देख लो इसको सिंप्लीफाई करके लिखो तो एग्जैक्टली यही चीज़ बन जाती है। और एक और आपको मैं एक पॉइंट बताऊं कि इन फैक्ट अगर आपको पेपर में ये बात भूल जाती है कि एग्जैक्टली क्या फार्मूला है लेट्स से मैग्नीशियम सिलिकेट का, तो आप यूँ खुद ही कोड वर्ड्स बनाओ, आप खुद सोचो कि अगर SiO2, H2O और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कम्बिनेशन बने, तो अगर आपका MCQ या इस तरह कोई क्वेश्चन आ गया तो आप खुद चॉइसेस बना के सोचो, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ये नंबर्स जो हैं ये इतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल कौन सी चीज़ें हैं जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं। तो ये आपको पता चल गया कि व्हाट इज़ मैग्नीशियम सिलिकेट।
मैग्नीशियम सिलिकेट का एक दूसरा नाम सोप स्टोन भी है, सोप स्टोन, या हम इसको टैल्क भी बोलते हैं, जो पाउडर होता है, ये जो घरों में पाउडर हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ बेसिकली मैग्नीशियम सिलिकेट। इसकी जो, अगर आप इसको टच करके देखो तो इट इज़ वेरी लिक्विड, ये आपको ग्रीसी सा नज़र आता है, ठीक है, और इसका बहुत ज़्यादा जो यूज़ है ये कॉस्मेटिक्स के अंदर होता है, कॉस्मेटिक्स में पाउडर्स वगैरह के अंदर इसको बहुत सारा यूज़ किया जाता है मैग्नीशियम सिलिकेट को। फाइनली जो आज हमारा लास्ट सिलिकेट है जो हमने देखना है, दैट इज़ कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट, विच इज़ Ca Mg3 SiO3 4। मैं अभी इस वाले का आपको नहीं बता रहा कि ये एग्जैक्टली कौन कौन से ऑक्साइड्स मिलके बना है, यूज़ योर कॉमन सेंस एंड थिंक अबाउट इट कि कितने। अब डेफिनेटली एक तो चीज़ देख के नज़र आ रही है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सिलिका मिलके बने हुए हैं, ठीक है। एक और कॉमन सेंस से बात पता चल रही है कि इसमें तीन मैग्नीशियम्स हैं, तो डेफिनेटली तीन मैग्नीशियम ऑक्साइड्स जुड़े हुए हैं, एक कैल्शियम है तो एक ही कैल्शियम ऑक्साइड है। और दूसरा ये कि इसमें चार दफ़ा सिलिकॉन है, ठीक है, ओवरऑल चार सिलिका, तो बेसिकली यहाँ पे फिर चार होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला अब आप खुद सिंप्लीफाई करके देख सकते हो कि ये दोनों इक्विवेलेंट इनके रिजल्ट्स आएंगे। सो ये जो आपके पास फॉर्मूला है, इसको नॉर्मली हम बोलते हैं एस्बेस्टोस, ये आपने ऑलरेडी भी वर्ड इससे पहले भी सुना होगा, एस्बेस्टोस नॉर्मली जो आप हीट करते हो ना लैब के अंदर, तो वो एक प्लेट होती है, एक गॉज होता है, उसके ऊपर वो वाइट वाइट कलर का कुछ लगा हुआ होता है ना, वाइट वाइट कलर का, नॉर्मली जितनी भी वो जाली सी एक पड़ी होती है जिसके ऊपर आप बीकर रखते हो, वो जाली के ऊपर वाइट वाइट सा कुछ लगा हुआ होता है, वो जो वाइट वाइट सा होता है दैट इज़ बेसिकली एस्बेस्टोस, ठीक है। सो इससे ज़्यादा आपके कोर्स में शामिल नहीं है इससे एस्बेस्टोस के बारे में। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। हम जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं आज हमने क्या क्या देखा। आज हमने एल्युमिनियम ऑक्साइड्स के, एल्युमिनियम के सिलिकेट्स के बारे में बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्युमिनियम के सिलिकेट्स फेल्डस्पार से निकलते हैं, फेल्डस्पार बजाते खुद जो है वो क्या चीज़ है, वो एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिका और सोडियम या कैल्शियम या पोटेशियम के ऑक्साइड के कम्बिनेशन को बोलते हैं, ठीक है। और हमने देखा कि ये तीन किस्म के ज़मीन के अंदर फेल्डस्पार पाए जाते हैं, फेल्डस्पार जो है ये ज़मीन के अंदर 60% पाया जाता है। और एक और चीज़ जो मैंने आपको ऑलरेडी नहीं बताई थी ये कि ना सिर्फ ज़मीन के अंदर फेल्डस्पार जो है, अभी रिसेंटली 2012 के अंदर क्यूरियोसिटी रोवर, आपने अगर सुना वो हो, क्यूरियोसिटी रोवर मार्स के ऊपर भेजा गया था, तो उस रोवर से कुछ रॉक्स का एनालिसिस हुआ और पता चला कि जो मार्स के ऊपर रॉक्स हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में फेल्डस्पार का कंटेंट है, ठीक है। तो ये फेल्डस्पार ना सिर्फ दुनिया में बहुत ज़्यादा है, ये दूसरे सैयारों पे भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है ऑन द प्लैनेट्स। इसके अलावा लूनर रॉक्स जो थी, जो अपोलो मिशन जब भेजे गए थे, अपोलो मिशन चांद पे भेजे गए थे, तो उन चांद की जो रॉक्स का एनालिसिस हुआ था तो उनका पता चला था कि उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर फेल्डस्पार है, ठीक है। सो फेल्डस्पार की बहुत ज़्यादा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंस है। अच्छा, फाइनली हम लोगों ने एल्युमिनियम ऑक्साइड को फिर क्योलिन की फॉर्म में हमने एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम फेल्डस्पार, और कहाँ गया ये क्योलिन हम लोगों ने डिराइव किया। क्योलिन जो है ये चाइनास में एक क्योलिंग हिल से इसको नाम दिया गया, और सॉफ्ट क्ले हम भी इसको कहते हैं। इसके बहुत सारे यूजेज़ हैं, आप इसके अंदर वाटर डिजॉल्व कर सकते हो और आप इसको मज़ीद ज़्यादा प्लास्टिक बना सकते हो, या इसको ज़्यादा हार्ड कर सकते हो आप अगर इसको हीट करके पानी को इवेपरेट करवा दो। इसके अलावा हम लोगों ने मैग्नीशियम सिलिकेट के बारे में बात की, जिसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि Al2O3 की जगह MgO से रिप्लेस कर देना है आपने। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट के बारे में बात की, जिसमें सिलिका तो होता ही। अच्छा, सिलिका आप देखो सब में लगा हुआ है। आज हमने जितने कंपाउंड्स देखे हैं, आज हमने फेल्डस्पार देखा है, फेल्डस्पार के अंदर फिर तीन किस्म के फेल्डस्पार्स देखे हैं, फिर उसके अलावा आज हमने केओलिन देखा, फिर उसके अलावा हम लोगों ने मैग्नीशियम सिलिकेट देखा है, जो टैल्क वगैरह जिसको हम बोलते हैं, और उसके बाद आपने एस्बेस्टोस देखा। इन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन है, SiO2 लाजमी लगा हुआ होता है यूं करके, ठीक है। और यही रीज़न है कि हम इनको सिलिकेट्स बोलते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टडी करेंगे सिलिकॉन्स, ठीक है। सिलिकॉन्स जो हैं वो क्या चीज़ें हैं, ये अगेन आपके पास लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में होते हैं। सिलिकॉन्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ सिलिकॉन, ऑक्सीजन एंड
मिथाइल ग्रुप्स, इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, यूजेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।